दोस्तों, एक ऐसा शख्स जो पूरे दिन बस छिपकली ही खाता रहता है। और क्या आप जानते हो कि समुद्र में आखिर कितना सोना हो सकता है? और अगर एक समय रूस भारत का साथ ना देता तो शायद आज भारत देश ना होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा कुछ ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट से। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में बहुत ज्यादा खोने वाले हो। नंबर 8, दोस्तों, क्या आपने एक पढ़े लिखे पक्षी के बारे में सुना है? जी हाँ, एक पढ़ा लिखा पक्षी शायद नहीं सुना है, बट अब आप सुनने वाले हो। दोस्तों, दुनिया का पढ़ा लिखा पक्षी एक पक नाम के तोते को माना जाता है, और ये तोता 1728 वर्ड को बोल सकता है। अब यह एक पक्षी होकर 1728 वर्ड बोल सकता है, तो यह पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या अनपढ़ है? नंबर 7, दोस्तों, रूस दुनिया का एक इकलौता देश था जिसने की भारत को 1971 के युद्ध में अपना समर्थन दिया था, और बाद में अमेरिका को रोकने के लिए अपनी वॉरशिप और सबमरीन भेजी थी। और दोस्तों, जो बाकी देश थे जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, सऊदी अरब, इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था और फिर बाद में इस युद्ध से दूरी बना ली थी। और दोस्तों, शायद अगर उस वक्त रूस भारत का साथ ना देता तो शायद आज भारत देश ना होता। तो दोस्तों, इसलिए रूस को एक सलाम तो बनता है। नंबर 6, दोस्तों, आपको लगता होगा कि हिंदी भाषा सिर्फ भारत में बोली जाती है। भारत में तो बोली जाती है और यह भारत की राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते हो कि भारत के अलावा एक ऐसा देश भी है जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। और तो उस देश ने हिंदी भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा भी बना ली है। जी हाँ दोस्तों, उस देश का नाम है फिजी। नंबर 5, दोस्तों, जब कोई आंट मरती है ना, चींटी, तो मरने के बाद चींटियों के शरीर से एक रसायन निकलता है जिससे कि दूसरी चींटियों को पता चलता है कि यह मर गई है। मतलब यह रसायन तब ही निकलता है जब कोई चींटी मर जाती है, लेकिन जब यह रसायन किसी जिंदा चींटी पर पड़ जाता है तो सोचो उसका क्या होता होगा। क्या चींटियां उसे भी मरा हुआ समझने लग जाती है? चींटियां उसे मृत घोषित कर लेती है जबकि वह मरी नहीं है, और चींटियां बाद में उसे मृत स्थान तक ले जाती है। नंबर 4, दोस्तों, एक बार पाकिस्तान की एक महिला ने अटल बिहारी जी से कहा कि अगर आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे देंगे तो ही मैं आपसे शादी करूंगी। यह सब सुनकर बाद में अटल जी ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन मैं भी तुमसे दहेज में पाकिस्तान मांगना चाहता हूँ। और उसी समय उस महिला के पांव तले जमीन खिसक गई और वहां से चली गई। अटल जी को भी एक सलाम बनता है, उन्होंने उस महिला की बोलती ही बंद कर दी। नंबर 3, दोस्तों, क्या समुद्र में भी सोना हो सकता है? जरा आप एक बार सोचकर देखिए, शायद कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह पता नहीं होगा कि समुद्र के अंदर भी सोना है, और वह इतनी ज्यादा मात्रा में कि सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि समुद्र में इतना सोना है कि अगर हम दुनिया के सभी लोगों में उसका बंटवारा लगाएंगे तो सबके पास 1-1 किलो सोना आ सकता है। नंबर 2, दोस्तों, एडिडास और पुमा कंपनी जो कि आज की डेट में काफी बड़ी कंपनी बन गई है, लेकिन मैं आज आपको इन दोनों कंपनियों की एक खास बात बताने वाला हूं। दोस्तों, एडिडास की शुरुआत 1948 में एडोल्फ नाम के एक व्यक्ति द्वारा की गई थी। इस कंपनी की शुरुआत से पहले ही एडोल्फ के बड़े भाई रुडोल्फ, इन दोनों के बीच विवाद हो गया था, और बाद में रुडोल्फ ने भी अपनी कंपनी खोल ली जिसे कि आज पुमा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि एडिडास कंपनी के मालिक और पुमा कंपनी के मालिक भाई भाई हैं। नंबर 1, दोस्तों, अब जिस आदमी के बारे में आपको बताऊंगा शायद आप उस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन यह सच है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम है कैलाश। दोस्तों, इस व्यक्ति को पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो इसे छिपकलियां खाने का शौक चढ़ गया, और यह पिछले 20 सालों से रोजाना छिपकलियां खाता हुआ आ रहा है, और यह रोजाना 10 छिपकलियां तो खा ही जाता है। यह फैक्ट सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट से रूबरू करवाना चाहता हूँ। अगर आप इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।